दोस्तों आज की कहानी है, भाभी जी आप मेरी माँ को ढंग से खाना क्यों नहीं देती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आखिर बहू बहू ही होती हैं और बेटी बेटी ही होती हैं। लक्ष्मी जी बोली, भगवान तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी बहू भी तुम्हारी बेटी से कम नहीं। द्वारका प्रसाद जी बोले, आपको तो सब एक सा ही दिखता है, बहू को अपने काम से मतलब होता है। बेटियां जब भी आती हैं अपने माँ का हाल साल पूछती हैं। लक्ष्मी जी बोली, अब तुम्हारी बेटियां तुम्हारे नजदीक हैं इसलिए तुम्हें इतनी बातें आ रही हैं। द्वारका प्रसाद जी बोले, नेहा साय लेकर कमरे में आती हैं। बहू कल रीना और मनीषा दोनों घर आएंगे तो तुम दोपहर के खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना उनकी पसंद का। लक्ष्मी जी बोली, जी मम्मी जी, वैसे दीदी कोई विशेष कारण से आ रही हैं। नेहा ने पूछा, अपनी माँ के घर आने के लिए भी कोई कारण चाहिए क्या? लक्ष्मी जी ने गुस्से में बोला, मेरा मतलब मम्मी जी सब कुछ ठीक तो है ना? नेहा ने कहा, सब ठीक है, अपनी माँ से मिले हुए बहुत समय हो गया इसलिए मुझसे मिलने आ रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी और द्वारका प्रसाद जी के दो बेटियां रीना और मनीषा और एक बेटा वरुण तथा बहू नेहा है। दोनों बेटियों का विवाह इसी शहर में हुआ है इसलिए उनका आना जाना लगा ही रहता। अरे माँ, तुम तो इस बार बहुत ही कमजोर लग रही हो, क्या भाभी ढंग से खाना नहीं देती? मनीषा ने कहा, अरे बेटा, जो मिल जाता है तुम्हारी माँ तो वही खा लेती है, अब बहू से क्या रोज रोज कहूँ। लक्ष्मी जी बोली, भाभी थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर दो, माँ के घुटने पर लगा देते हैं। रीना कहती है, अरे मेरी लाडो, थोड़ी देर मिलने आई है उसमें भी माँ की सेवा करेगी इसीलिए कहती हूँ। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, बहुओं से तो उम्मीद करना भी। नेहा को आता देख लक्ष्मी जी कहती हुई चुप हो जाती हैं, मम्मी जी आपके घुटने में दर्द है, आपने बताया नहीं? नेहा तेल लेकर आती हुई कहती है, बहू हर बात कहने की थोड़ी ना होती है तुम्हें, दिखता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती है। आज कल लक्ष्मी जी ने नाराज होते हुए कहा, मम्मी जी मैं आपकी तेल लगा देती हूँ। नेहा ने कहा, भाभी हमें दिखाने के लिए सेवा करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, आप तो खाने की व्यवस्था संभालो। मनीषा ने तो तनकते हुए कहा, नेहा चुप
सांप रसोई में चली जाती हैं अपनी माँ को अपना बनावटी प्रेम दिखाने का और भाभी को निशा दिखाने का कोई भी मौका दोनों बहनें नहीं छोड़ती। माँ इस बार तो दिवाली पर कुछ सोने का आइटम ही देना। क्या दीदी, मनीषा बोली, सही कहा, मेरी देवरानी को भी उसकी माँ ने पिछली बार सोने का ही गहना दिया था। रीना ने कहा, ठीक है मेरी बच्चियों, दोनों के लिए ही मैं कुछ सोने का ही लूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, दोनों बहनें खाना खाकर शाम को वापस अपने घर चली जाती हैं। नेहा पूरे दिन काम में लगी रहती हैं। सुनो जी, तुम्हारी दोनों बेटियां सोने का एक गहना मांग रही हैं, तो आप अभी से सुनार को कह दीजिए दोनों के लिए एक एक कान की जोड़ी बनवा देते हैं। लक्ष्मी जी बोली, फिर तो तीन बनवा लेते हैं, एक नेहा बहू के लिए भी। द्वारका प्रसाद जी बोले, इतना प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ तो है नेहा के पास, आप सिर्फ दो जोड़ी बनवा दीजिए, बहू को क्या देना नहीं देना मैं देख लूंगी। लक्ष्मी जी बोली, उसी समय नेहा कमरे में दूध लेकर आती हैं, उसे सारी बातें सुनाई दे जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। वरुण माँ दोनों दीदियों के लिए सोने का गहना बनवा रही है, लेकिन मेरी बात आते ही उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती, नेहा ने उदास होते हुए कहा। तुम मुझे कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाकर देता हूँ। माँ की बातों का बुरा मानकर दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वह उनकी बेटियां हैं, वरुण ने समझाते हुए कहा। नेहा जानती थी कि वरुण उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी नेहा इन सब की आदि हो चुकी थी, उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। थोड़े दिनों के बाद अचानक से लक्ष्मी जी का बीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के दाएं भाग में लकवा आ जाता है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया, मुझसे जो सुन कर रहा ही नहीं गया, मनीषा बोली। माँ, अब आपका क्या होगा, आपको कौन संभालेगा, रीना बोली। दीदी आप लोग हैं ना मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए, नेहा बोली। अरे भाभी, हमारे भी घर हैं, मैं कैसे रुक सकती हूँ, रीना बोली। मेरे बच्चे की तो पढ़ाई चल रही है, तो मैं तो रुक भी नहीं सकती, मनीषा बोली। पर दीदी, मैं घर संभाल लूंगी, मम्मी जी को संभालने में थोड़े दिन तो मेरी मदद कर दीजिए, नेहा ने कहा। बहुत सही कह रही हैं तुम दोनों, एक एक करके रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है। द्वारका प्रसाद जी बोले, पापा हमारी माँ के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, शादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां भी तो हैं हमारे घर के लिए, मनीषा कहती हैं।
शाम को दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। लक्ष्मी जी के मन ही मन में सल रहा होता है, जिन बेटियों को लेकर मैं इतना गर्व कर रही थी वह मेरे लिए एक दिन भी नहीं रुक सकी। नेहा अपना सामान लक्ष्मी जी के कमरे में ले आती है। नेहा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन नेहा कभी भी उप नहीं करती। लक्ष्मी जी को खिलाने पिलाने नहलाने से लेकर उनकी फिजियोथेरेपी की कसरत कराने तक की जिम्मेदारी नेहा ने उठा ली थी। मम्मी जी आप चिंता ना करें, आप जल्दी ठीक हो जाएगी, बस हिम्मत रखे, नेहा हमेशा कहती। नेहा की मेहनत रंग लाने लगी, धीरे धीरे उनके शरीर में हलचल होने लगी। दिवाली नजदीक आ गई थी। लो लक्ष्मी, तुमने जैसा कहा था वैसे ही कान के बनवा कर ले आया हूँ तुम्हारी बेटियों के लिए, द्वारका प्रसाद जी ने कहा। आप मेरी बहू को बुला दीजिए, लक्ष्मी जी कहती हैं। नेहा कमरे में आती है। लक्ष्मी जी इशारे में उसे अपने पास बुलाती हैं। नेहा मैं जानती हूँ, आज तक जब भी बहू और बेटी की बात आई तो हमेशा ही मैंने बेटियों को बहू से ऊपर रखा, लेकिन आज मेरी इस हालत में मेरी बेटियों ने सिर्फ दिखाने के लिए जरूर फोन किए, लेकिन एक दिन भी मेरे पास नहीं आई, और तुमने ये सब होने के बाद भी मेरी देखभाल एक बार एक बेटी की तरह की। बहू तुम अब मेरी बेटी हो और अपनी माँ की तरफ से एक बेटी को ये दीपावली का उपहार। लक्ष्मी देवी नेहा को कानों की जोड़ी देती है। मम्मी जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद ऐसा कुछ होगा। बहू से बेटी तक का रास्ता तह करने में इतना लंबा समय लगेगा। आपने आप मुझे अपनी बेटी कह कर मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, और ये कान की जोड़ी आपके उस प्यार की ही निशानी है जो हमेशा मुझे अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगी। नेहा ने कहा। बहू कई बार हमारे आँखों के सामने सच्चाई होते हुए भी दिखाई नहीं देती, शायद हम अपने बच्चों के प्रेम में अंधे हो चुके होते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रेम और सेवा ने मेरी आंखें खोल दी, लक्ष्मी जी ने कहा। लक्ष्मी मैं तो हमेशा तुमसे कहा है तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटियों से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखती हैं, और आज तुमने मान भी लिया तो इस बात पर तो मिठाई बनती है। द्वारका प्रसाद जी कहते हैं, अभी लाती हूँ पिताजी, नेहा कह कर रसोई में जाती है। दोस्तों हमेशा बेटी और बहू में हम बेटियों का ही साथ देते हैं, जो एक सामान्य झुकाव होता है। बहू को अपनी बेटे की पत्नी बनाकर हम लाते हैं, लेकिन फिर भी उसे पूरे दिल से नहीं अपनाते, और यही दूरी हमेशा सास बहू को एक दूसरे से दूर रखती है,
बताने देने की जगह उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमेशा दोनों ओर से निभाने पर बनते हैं। एक बहू बेटी तभी बन सकती है जब एक सास उसकी माँ बने।